जब से देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी बने हैं तभी से देश के जो इंजीनियर्स हैं वो अपनी लीक से हटकर सोचने में लगे हुए हैं, और जो पहले के इंजीनियर्स थे वो मुफ्त के पैसे खाकर अपना मस्त आराम करते रहते थे, लेकिन अब ये लोग अपनी रेलवे को फुल्ली मॉडर्नाइज करने में लगे हुए हैं। पहले इन्होंने वंदे भारत जैसी एक प्रीमियम डिजाइन वाली ट्रेन को लॉन्च किया, उसके बाद वंदे भारत स्लीपर। इन दोनों के डिजाइन किसी भी प्लेन से कम नहीं है और काफी ज्यादा प्रीमियम भी है। अब फिर से कुछ ऐसे ही अनोखे डिजाइन के साथ रेलवे आ चुकी है। दरअसल इस समय पर कपूरथला में जो रेलवे कोच फैक्ट्री है वहाँ फर्स्ट एसी का जो कोच होता है उसका एक न्यू डिजाइन पर काम चल रहा है, क्योंकि इस टाइम पर लगभग हर अच्छी ट्रेन में आपको फर्स्ट एसी का डिब्बा देखने को मिल ही जाता है, और इसी के डिजाइन को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा रहा है। साथ ही में इनमें जो सीट्स और बर्थ का जो नंबर होगा उन्हें भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये जो पुराना वाला डिजाइन था वो काफी टाइम से सेम ही था, मतलब काफी ज्यादा चेंजेस उसमें नहीं किए जा रहे थे। अब पहले क्या होता था कि जो फर्स्ट एसी का डिब्बा होता था वो ज्यादातर खाली चलता था और उनमें जो कंफर्म बर्थ थी वो भी मिल जाती थी, लेकिन अब कुछ समय बाद कंफर्म बर्थ मिलना भी बंद हो जाएगा। लेकिन अब ये जो कोचेज आएंगे उनका डिजाइन कुछ ऐसा होगा जिसमें पहले के मुकाबले ज्यादा बर्थ हो। अब अंदर से इन बर्थ का जो डिजाइन होगा वो किसी बिजनेस क्लास प्लेन जैसा ही होने वाला है, जैसा कि तुम फोटोज के अंदर देख ही सकते हो। सीट्स को पहले से और भी ज्यादा आरामदायक बनाया जाएगा और एक बटन पे क्लिक करके इसे वापस बेड बना सकते हो। अब इसी के साथ पैसेंजर्स को टीवी स्क्रीन, पानी की बोतल और पेपर या मैगजीन रखने का स्टैंड भी मिलेगा। और इसी से रिलेटेड रेल कोच फैक्ट्री ने कुछ फोटोज को भी रिलीज किया है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। अब फर्स्ट क्लास एसी डिब्बे की जो मेन फीचर होता है वो ये होता है कि आपको एक पूरा का पूरा कमरा मिलता है, दो बर्थ वाला या फिर चार बर्थ वाला, और इनकी डिमांड भी काफी ज्यादा रहती है। लेकिन नए कोच में जो बर्थ होंगे वो दोनों दो दो सीट वाले होने वाले हैं, और जो गैलरी होगी वहाँ वो कुछ इस टाइप की होने वाली है, यानी कि दोनों साइड आपको बर्थ देखने को मिलेंगे। वैसे इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये होगी कि पहले हमें ऊपर बर्थ में विंडोज नहीं मिलती थी, लेकिन अब इस नए कोच के अंदर हमें ऊपर के जो बर्थ होगा उसके अंदर भी विंडो मिलने वाली है, ताकि जो पैसेंजर हो वो ऊपर के बर्थ से भी जर्नी का अच्छा खासा व्यू ले सके। बाकी तुम लोगों का क्या सोचना है इस बारे में कमेंट में मुझे जरूर बताना। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।